अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम जा रहे हैं अभी जबलेश्वर, गाड़ी आ गई है। तो यहाँ से लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है, नियर अबाउट 30 रियाल के आसपास ऐसा कुछ फेयर है, जो टैक्सी का फेयर है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे जबलेश्वर, जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबा बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुपे थे। तो जब कुफ़ार मक्का उनके पीछे लगे थे तो वो उस गार में छुपे थे। तो नाज़रीन, चलते चलते आपको थोड़ी सी गार के बारे में कुछ मालूमात बताएंगे, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आज से लगभग 1400 साल पहले जुमा के दिन रात के टाइम दो हस्तियां मक्का से निकलकर मदीना की तरफ हिजरत करने के लिए जाने वाले थे, और उन दो हस्तियों का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। उनको अल्लाह ताला की तरफ से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म मिला था, और ये नबुवत का 14वां साल था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे। फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ जैसे आपने ऐलान नबुवत किया, तो कुफारे मक्का ने आपके दुश्मन, कुफारे मक्का आपके दुश्मन हो गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में रहना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो गया कि आप मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करें। तो फिर एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि तैयार रहना, हम इस मक्का शहर को छोड़ने वाले हैं। तो इस तरह इसी रात को कुफारे मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर लिया, और तलवारें लेकर बाहर खड़े हो गए कि जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलेंगे, हम नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लुटा दिया, और सूरह यासीन पढ़ते हुए हाथों में खाक लेकर और उन कुफारों की आँखों में झोंक दी। फिर वहाँ से तशरीफ़ ले गए, और कुफार सारी रात वहाँ पर खड़े रहे, और उनको पता भी नहीं चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से कब निकल गए। इसी रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबा बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस पहाड़ पर चले गए। उस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे और कभी आपके पीछे चलते थे। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, या अबू बकर, ये आप क्या कर रहे हो? तो कभी मेरे आगे चलते हो तो कभी मेरे पीछे चलते हो। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे से हमला ना करे तो मैं पीछे हो जाता हूँ, कहीं आगे से ना हमला करे तो मैं आपकी हिफाजत के लिए आगे आता हूँ। आखिरकार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में पहुँचे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले गार साफ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया कि आप अंदर आ जाए। लगभग 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में तशरीफ़ फरमा थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर चले गए, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में आराम फरमाया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने गार में कई सुराख देखे, और अपना कुर्ता फाड़ कर और अपनी पकड़ कर उतार कर उन तमाम सुराख को बंद कर दिया। आखिर में एक सुराख रह गया, उस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना पैर रख दिया। तो कुछ अरसा के बाद उसी सुराख से एक सांप निकलने की कोशिश कर रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पैर को उस सांप ने डसा, लेकिन आपने
पैर नहीं हटाया। शदीद दर्द की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आँखों में आंसू आ गए और वो आंसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिर पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक क्या हुआ? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांप ने मेरे पैर को डस लिया, इसलिए दर्द की वजह से आंसू आ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौब दहानी मुबारक से निकाल कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर पर लगाया। तो जूँ ही पैर पर लगाया तो आपका दर्द ख़त्म हुआ। और जब कुफ़ार मक्का वहाँ ढूंढते ढूंढते आ गए तो गार का जो एंट्रेंस है उस पर मकड़ी ने जाला बनाया था और कबूतर को हुक्म हुआ, कबूतर ने अंडे डाले थे वहाँ पे। तो कुफारे मक्का जब वहाँ देखा तो उनको पता चला कि यहाँ कोई नहीं है, तो फिर वो वहाँ से वापस मक्का आ गए। अभी टाइम हो गया यहाँ पे दिन के 3:30 के करीब है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है। मैंने कैप इसलिए पहनी है क्योंकि धूप की जो लाइट है वो पूरे आँखों पे पड़ती है और आँखें बंद हो जाती है ऐसे, तो मैंने इसलिए सेफ्टी के लिए कैप पहनी है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे जो रास्ता है ये वाला, ये रास्ते से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर से रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए वो गार जहाँ पे हुजूर सल्लम जब जो है मक्का से ऊपर चले गए थे, जब कुफारे मक्का ने उनको बहुत सताया था, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और वो दोनों ऊपर चले गए थे और गार सोर जो है वहाँ पे तशरीफ लिए थे उन्होंने। और ये जैसा कि आपको वीडियो में पहले भी बताया दोस्तों, लगभग आधा घंटा हो गया, ये आप अंदाज़ा लगा सकते कहाँ से आ गए हम। वो नीचे जो बिल्डिंग है वहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये रास्ते से हम यहाँ पर आ गए। पूरे पत्थर ही पत्थर है रास्ते में। तो एक मशवरा आपसे आपको देना था, जो लोग हज करने के लिए आए या उमरा के लिए आएंगे वो लोग ये जगह देखने चाहिए, और अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे जब आएंगे, जब ये पहाड़ चढ़ेंगे तो इरादा करेंगे यहाँ पे आने का, ये जबल सोर देखने का। तो सेफ्टी के लिए आप चप्पल नहीं तो शूज़ लेकर के, चप्पल नहीं शूज़ लेकर के आए, क्योंकि शूज़ से आपका जो कॉन्फिडेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा और आपके पैर जो है वो सेफ रहेंगे, क्योंकि चप्पल में आप ज़्यादा सेफ नहीं, आप अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम चलते हैं ऊपर, आप वीडियो के साथ बने रहिए। ये पूरा पहाड़ आप देख सकते हैं, पूरी सांस फूल गई है क्योंकि हमने रोज़ा रखा है, लेकिन हम चलते जाएंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ज़ियारत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कम सा रूफोक, कम सा नस सा पक्यू सा शाबाश जवानो। मेरे साथ जवान 5-6 जवान है और ये लोग थक गए हैं बहुत ज्यादा। आप लोगों को शूज लेकर के आना था, हमारा पता नहीं है ना, आप लोगों का बास है ना, वो चप्पल में लेके आया ना, इसलिए। शिबिर भाई हस्बैंड अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
दोस्तों ये आप देख सकते हैं क्लॉक टावर यहाँ से नजर आ रहा है। लगभग एक घंटा हो गया हम चढ़ते जा रहे हैं। अभी और लगभग एक घंटा डेढ़ घंटा ऊपर, ये आप देख सकते हैं ये जो ऊपर पहाड़ है वहाँ पे पहुँचना है, वहाँ से भी आगे जाना है। जो वहाँ ज़ियारत होकर के नीचे आए तो उनसे हमने बात की थी कि अभी कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला अभी आपको वहाँ से जो पीक नज़र आ रहा है वहाँ से भी आगे जाना है। तो अभी देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से भी आगे हिम्मत करनी पड़ेगी। थोड़ा हम यहाँ पे रेस्ट करते हैं, उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर से ऊपर अपना सफ़र जो है वो शुरू करेंगे। ओके, तो ये हमारे शबीर भाई, वसीम भाई, नासिर भाई, जुबैर भाई, शाकिर भाई, आपका नाम? शमसुद्दीन इंडिया से। और अली अख्तर, आपका नाम क्या है? अली अख्तर कहाँ से? कश्मीर, पाकिस्तान कश्मीर। दोस्तों आफ्टर ऑल लगभग 2 घंटे खलास होके अभी हम घर में पहुंच गए, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर का अंदर का मंजर है, क्या आप देख सकते हैं घर के अंदर का मंजर। یہ چھنا گاڑی سور لکھت ماشاءاللہ سبحان اللہ آفٹر آل ہم پہنچ گئے لگ بھگ 2 گھنٹے کا راستہ ہے نیچے سے اوپر تک 2 گھنٹے کے بعد اس مقدس مقام ہم پہنچ گئے یہی وہ گار ہے دوستو جہاں پہ اس کا انٹرنس ہے اور یہی وہ گار ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے کفار نے ان کو ستایا تو وہ یہاں پہ آ گئے اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے ماشاءاللہ یہ اوپر کا سائیڈ ہے اس گار کا اوپر کا سائیڈ आप ज़ियारत कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी ज़ियारत करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको दिखाया गारे सोवर और इसका अंदर का मंजर दिखाया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।